हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये 2 चम्मच मैं तेल ले रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हींग, जीरा हो चुका है, शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च को डालने से पहले हम प्याज को भूनेंगे। प्याज डालते हैं, डाल दिया मैंने। इसके साथ ही मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया था मैंने। और एक प्याज ली है जिसको भी मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। इसको हम भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज भून चुकी है। अब इसमें हमें शिमला मिर्च डाल देंगे। साथ ही में आलू भी। अगर आप तो प्याज खाना पसंद नहीं करते हो तो आप बिना प्याज की भी सब्जी को बना सकते हो। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, इनको मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स हो चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए इसको हम पकने देंगे 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये मैंने एक टमाटर लिया है और इसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे इसमें अच्छी तरह से। साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। आप डालना चाहो तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो इसी तरह से हम 5 मिनट तक टमाटरों को भी पकाएंगे। ये टमाटर पक चुके हैं और हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।